अंडा मांस मदिरा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए 2018 से हम प्रयास कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय से हम 6 महीना पहले मिले तो वह हमसे आश्वासन कर सकते हो और फिर मैंने अभी पत्र भी भेजा 16 तारीख से हमने कहा कि अगर नहीं हटा दृष्टि के आरंभ से लेकर के अंडल काल तक जो जिस तरह अयोध्या का स्वरूप रहा है पहले अवध का मठ मंदिर तोड़े जा रहे थे उसी दौरान जो है यहाँ अंडा मांस मदिरा का प्रवेश कराया गया तो हम लोगों ने राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है तो अब तो अयोध्या स्वच्छ हो जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान चल रहा है तो उसके तहत ये भी आवश्यक है कि जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो है कि वो न्यायपालिका का मामला रहा जैसे लेकिन ये मामला जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर का है क्यों और हम खुद जा करके उस संबंध में इसको निराकरण का जो आपने टाइम दिया है उसको ही कराने का बात है। दरअसल में मैं लिखित रूप से मैं यहाँ से पत्र भेज चुका हूँ और एक बार हम गए भी थे हमारे सरकार में ये चीज़ें हैं नहीं हमारा अगर ये अंडा मांस मदिरा की दुकानें भोबरा से नहीं हटती हैं तो 16 तारीख से आमरण अनशन निश्चित है। प्रशासन का कहना है कि वो पब्लिक प्लेस है वहाँ ना जा करके आप स्थान पर करें तो हमारे लिए ये जगह चिन्हित रहेगी। मैं यहाँ बैठूँगा अनशन पे स्थान पे अयोध्या की जो सांस्कृतिक सीमा 84 कोसी है वहाँ से अंडा मांस मदिरा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए 2018 में मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी को पत्र भेजा था जिसमें जो है वहाँ से आदेश सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने जिला प्रशासन को किया था लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 5 कोस में ही करके और जो है तो ये होगा कि अयोध्या 5 कोस में ही है। फिर एक बार मैंने 6 महीना पूर्व जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया कि पंचकोसी परिक्रमा में भी महोबरा में वहाँ से सटे हुए अंडा मांस मदिरा की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं वहाँ जो है तो खूब हिंसा हो रही बकरा मुर्गा काटे जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि महोदय मैं इसको 24 घंटे के अंदर यहाँ वहाँ से मैं हटवा देता हूँ। तो आज जो है फिर मैंने जिलाधिकारी महोदय को जब देखा तो फिर मैंने एक फिर उनको ज्ञापन दिया कि 24 घंटे कब पूरा होंगे 6 महीने हो गया अभी 24 घंटे नहीं हुआ। तो हमने दिया कि यदि मकर संक्रांति के पहले पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से अंडा मांस मदिरा की दुकानें नहीं हटाई जाएंगी तो फिर 16 जनवरी से मैं अनशन करने के लिए बाध्य होऊंगा। तो उसी लिए अनशन स्थल का आज भूमि पूजन करने के जो है उसमें मैं जा रहा था जिस पर जो है तो अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारियों ने मुझसे जो है आग्रह किया कि वो पब्लिक प्लेस है और उन लोगों ने मुझसे भी कहा कि श्री जिलाधिकारी महोदय बहुत गंभीर हैं इस पर कार्रवाई चल रही है और मकर संक्रांति तक वहाँ से दुकानें हट जाएंगी। तो इसलिए फिर हम जो है तो मान गए अगर नहीं हटेंगी तो मैं आमरण अनशन पर जब बैठूंगा तो अयोध्या के जो ये 84 कोसी परिक्रमा होती देखिए आबकारी का नियम है कि जैसे नेशनल हाईवे है स्कूल कॉलेज है विद्यालय है धर्मस्थल वहाँ से 50 मीटर दूर दुकानें होती है अयोध्या 84 को धर्मस्थल है तो 84 कोस जो धर्मस्थल है उससे 50 मीटर दूर होना चाहिए और मैं अनशन पर बैठूँगा।